नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। किशोरायु युवाओं को चिन्हित कर उनके अभिभावकों को बुलाकर एसपी ने समझाइश देते हुए कहा, अपने बच्चों को अपराध और नशे से बचाएं। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा ऑपरेशन के बाद दे दी गई, परिजनों ने सीएमएचओ को की शिकायत। टीएनसीपी के संयुक्त संचालक, नगर निगम अधिकारी और कॉलोनाइजर फर्जी दस्तावेजों से शासकीय भूमि पर बना रहे थे मल्टी, ईडब्ल्यूओ ने दर्ज की एफआईआर। सिटी प्रेस क्लब ने एसपी को ज्ञापन देकर मांग की, अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार पर कायमी के पहले जानलेवा हमले की जांच होनी चाहिए थी। और जिला स्तरीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिले से 135 प्रतिभागियों ने की पंजा जोर आजमाइश। कम आयु के किशोरों और युवाओं में बढ़ते मादक पदार्थ के सेवन से चिंतित पुलिस प्रशासन ने उनके अभिभावकों से चर्चा की। नशे और अपराध का साथ चोली दामन का होता है। वर्तमान दौर में 15 से 16 साल के किशोर युवा या तो नशे के लिए अपराध करता है या नशा करके अपराध करता है। इसी से चिंतित पुलिस प्रशासन ने ऐसे युवाओं को चिन्हित कर उनके अभिभावकों से चर्चा की। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि ऐसे युवाओं को हम रिहैब सेंटर के माध्यम से नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि खासकर जो नई युवा पीढ़ी है और बच्चे जो 15-16 साल की उम्र से लेके और लगभग 25-30 साल के बीच उम्र के लोग हैं, वो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। और वो सिर्फ उनका एक अज्ञानता या अशिक्षा या अपने भविष्य की उनको जानकारी न होने के भविष्य में इनका क्या हो सकता है, तो इससे जो एक समस्या को देख के इनके परिजनों को बुलाया गया। हम ये चाहते हैं कि ये परिजन इनका एक संबल बने, इनको एक ऐसी समझाइश दे और इस नशे से दूर रहे। और हमारा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में इनको ले जाने का एक प्रोग्राम है, तो इस तरह से जो इस नशे की जो प्रवृत्ति इनकी डेवलप हुई है उससे न सिर्फ इनके परिजनों के माध्यम से बल्कि हमारा जो चिकित्सा या इस तरह के काउंसलिंग सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, इनके माध्यम से इस नशे से इनको निजात दिलाया जाए, इनसे दूर रखा जाए, ये हमारा एक प्रयास है। एक्सपायरी डेट की दवा देने की शिकायत की महिला रोगी के परिजनों ने सीएमएचओ से, ड्रग इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। जिला राजगढ़ के पचोर निवासी लाडबाई पति प्रेम नारायण का ऑपरेशन महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदा रावत ने किया। ऑपरेशन के बाद एक्सपायरी डेट दवा देने का आरोप लगाते हुए रोगी के परिजनों ने सीएमएचओ से शिकायत की, जिस पर जांच प्रक्रिया के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। मामले की जानकारी देते हुए धर्म सिंह कुशवाहा ने बताया, हाँ, एक मामला आया था एक्सपायरी दवाइयों को लेकर, डॉक्टर चंदा रावत तो के संबंध में शिकायतकर्ता ने शिकायत करी थी कि वो उसको अपने क्लिनिक से एक्सपायरी दवाई दे दी गई, क्योंकि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल के में उनको छूट मिली हुई है दवाइयाँ रखने के लिए। बट इसके लिए सीएमएचओ महोदय ने एक टीम गठित की है, इसमें डॉक्टर एस के सिंह डीएचओ सर हैं, मैं हूँ और वसंत शर्मा जी हैं। तीनों लोगों ने जांच करी है, हम लोग वहाँ पे भी गए थे, चंद्र रावत में उनके लिए क्लिनिक वहाँ पे भी गए थे। उसके अलावा कथन के लिए हमने दोनों लोगों को बुलाया है पूरी टीम ने, तो दोनों के कल कथन भी लिए हैं हमने। कथन के अनुसार जो आगे की कार्रवाई होगी जांच कर रहे हैं, उसमें जांच कार्रवाई होगी की जाएगी। टीएनसीपी के संयुक्त संचालक, नगर निगम अधिकारी और कॉलोनाइजर के मिलीभगत से शासकीय भूमि पर होने वाले निर्माण पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर। देवास रोड स्थित तरणताल के समीप बेशकीमती जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मल्टी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर महेश पलोड़, उनके पार्टनर एसके मिश्रा, टीएनसीपी के संयुक्त संचालक और उज्जैन नगर निगम के अपर आयुक्त पर कार्रवाई की गई। ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई करते हुए उक्त कॉलोनाइजर और अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। यह जानकारी देते हुए अजय केथवास, ईओडब्ल्यू के डीएसपी ने बताया, देखिए वर्ष 2021 में ये मिस्टर राजेंद्र कोवाल द्वारा एक शिकायत की गई थी, जिस शिकायत में ये बताया गया था कि शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 749 एवं 753 जो कि देवास रोड पर स्थित है, वहाँ पर
अवैध कब्जा करके मल्टी का निर्माण किया जा रहा है। उस आवेदन पत्र की जांच की गई। आवेदन पत्र की जांच में ये पाया गया कि उक्त सर्वे की भूमि जो है शासकीय एवं राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है। शासकीय दर्ज होने के बावजूद भी जो मल्टी बना रहे हैं श्री महेश पलोड, राजेंद्र व अन्य जो उनके भागीदार हैं गौरव पलोड, उनके द्वारा उस मल्टी का अवैध निर्माण TNCP एवं नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर किया जाना पाया गया। पत्रकार और उनके पुत्र पर हमले के मामले में पुलिस द्वारा की गई क्रॉस कायमी का विरोध किया पत्रकारों ने। रतन एवेन्यू में सिवरेज पाइपलाइन डालने के विवाद में पवन विश्वकर्मा व साथियों ने पत्रकार इंद्र कुमार शुक्ला व उनके पुत्र पर प्राणघातक हमला कर दिया था, जबकि थाना चिमनगंज में पत्रकार के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज कर दिया गया, जिसका विरोध करते हुए सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी के नेतृत्व में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को सौंप कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। हमारे राज्य स्तरीय पत्रकार हैं इंद्र कुमार जी शुक्ला, दो दिन पहले उनका कोई कॉलोनी में विवाद हुआ था और वो नगर निगम के अधिकारियों के साथ कुछ मौके पर थे, कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और चेहरे पे उनको चाकू भी लगा है। तो वहाँ उसकी रिपोर्ट चिमनगंज मंडी थाने में उनके द्वारा की गई, इस पर प्रकरण दर्ज हुआ। बाद में फिर पुलिस ने दूसरे पक्ष के कहने पर पत्रकार के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। इसमें अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने मुलाकात की है, एक लिखित आवेदन दिया और श्री शुक्ला नहीं आ पाए क्योंकि वो घर पर ही उपचार करा रहे हैं अपना। तो हमने बोला कि उन्होंने तो कोई पलट के ना गाली दी ना हमला किया, फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज क्यों हुआ? और भारत सरकार की गाइडलाइन है, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की गाइडलाइन है कि यदि कोई अधिमान्य पत्रकार है या श्रमजीवी पत्रकार है उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज होता है पहले विवेचना की जाए, जाँच की जाए। तो इस मामले को लेकर आज पत्रकार हम लोग मिले और SP महोदय ने कहा है कि मैं पहले इसकी जांच कराऊंगा, देखता हूं क्या मामला है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। आधा दर्जन से अधिक अपराध करने वाली महिला ड्रग पेडलर का मकान जमी दोस्त किया प्रशासन ने, पति भी है आदतन अपराधी। पुलिस ने नीलगंगा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली महिला का राजीव रत्न कॉलोनी स्थित मकान नगर निगम की मदद से तोड़ दिया। ASP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी महिला पूजा नायक के खिलाफ आधा दर्जन के लगभग तस्करी के प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें गांजा चरस ड्रग की पुड़िया और अवैध शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। महिला का पति राकेश उर्फ चीना भी क्षेत्र का कुख्यात बदमाश और तस्कर है, जिसके खिलाफ करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज है। फिलहाल वह रासुका के तहत जेल में बंद है। दोनों पति पत्नी सालों से क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। पिछले दिनों महिला जयसिंहपुरा क्षेत्र में गांजे की पुड़िया बेचते पकड़ाई थी। थाना नीलगंगा के अंतर्गत जो अभी उज्जैन पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया है और इसमें ऐसे आदतन ड्रग सप्लायर जो लगातार जिनकी शिकायत आती है, शोहरत है, साथ में जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, इनको ऐसे लोगों को शहर में चिन्हित किया गया है और ऐसे सप्लायर्स की जो अवैध संपत्ति है या अवैध कब्जे हैं उनको भी डेमोलिश किया जा रहा है नगर निगम के माध्यम से। आज थाना नीलगंगा में एक जो आरोपी है उसकी जो मकान था उसको नगर निगम के माध्यम से उसमें कार्रवाई डेमोलिश की गई है और ये जो अभियान है अभी और जारी रहेगा। इसमें शहर के जो अन्य थाना क्षेत्र हैं उनको भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, उनकी जो इलीगल प्रॉपर्टीज है उनको भी आइडेंटिफाई किया। सर लगभग कितने लोगों को चिन्हित? अभी हमने जो अभियान लिया है उसमें लगभग 22 लोगों को अभी प्राइमा फेसी चिन्हित किया गया है जिनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल ने फिर दिया झटका। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। संतोषी सदा सुखी की तर्ज पर मनमार कर खरीदना पड़ रहा है महंगा पेट्रोल। अच्छा है हमारा देश आध्यात्मिक देश है, जिसका भगवान हो या सरकार उसके प्रति यही भक्ति भाव रहता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जिस भाव से पेट्रोल देना चाहे दे दे सरकार, ओ हमारे तारणहार। अब यह बात अलग है कि जुबां पे दर्द भरी दास्तान चली आई कि तर्ज पर पेट्रोल भरा रहे दिनेश कहार दर्द बयां करते हैं। 100 रुपये में रात कुछ नहीं आता है, 80 ग्राम का 800 ग्राम आ रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। कितना सौ रुपये का डलवाते थे तो एक रोज चलती थी, अब तो आधा रोज भी नहीं चलती।
पेट्रोल पंप संचालक स्थित प्रज्ञ की तरह स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, देखिए ये तो शासन की नीति है और जो जानकारी यही है कि जो क्रूड के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हैं तो ऑयल कंपनियों को ऑथराइज किया हुआ है कि उसी रेशो में वो रेट बढ़ा दें, पर इसमें डीलर का बड़ा नुकसान है क्योंकि जो एक्साइज और जो टैक्स जो बढ़ता है वैट टैक्स वो तो परसेंटेज पे बढ़ता है, पर डीलर का जो कमीशन रहता है वो फिक्स रहता है 3 रुपये लीटर। तो जब पेट्रोल का भाव 70 रुपये था जब भी उस डीलर का कमीशन 3 रुपये था और अब 117 रुपये हो गया तो भी डीलर का कमीशन 3 रुपये ही है। इसी तरह से जो डीजल का भाव है, डीजल का भाव भी जब 65 रुपये था तो वही 2 रुपये कमीशन था और अब जब 107 रुपये हो गया जब भी उसका डीलर का जो कमीशन है वो 2 रुपये ही है। उन्हेल और इंगोरिया रेलवे ट्रैक पर एक्सल टूटने से फंसा ट्रक, समय पर सतर्कता और त्वरित कार्यवाही से भीषण दुर्घटना टली। उन्हेल और इंगोरिया के बीच 3 ट्रेनें करीब आधा से पौना घंटे लेट हुई। उसकी वजह यह थी कि इस रूट की पटरियों पर एक ट्रक का एक्सल टूटकर फंस गया। कोई भीषण घटना घटित होती इसके पूर्व काफी मशक्कत के बाद उक्त ट्रक वहां से हटा लिया गया। इसके बाद रेल यातायात फिर से बहाल हुआ। दशहरा मैदान पर लगने वाली पटाखों की दुकान का आवंटन किया गया लॉटरी सिस्टम से, दुकानदार भी है संतुष्ट। दशहरा मैदान पर प्रतिवर्ष लगने वाली पटाखों की दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया गया। इस सिस्टम से होने वाले आवंटन में किसी तरह के पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रहती, फलतः दुकानदार भी संतुष्ट रहते हैं। लॉटरी सिस्टम से पटाखा दुकान आवंटन के बारे में जानकारी देते हुए तहसीलदार देवदत्त शर्मा ने बताया, ये दशहरा मैदान पर प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी पटाखा दुकानों का लगाई जा रही है और उसमें जिन लोगों के पूर्व से लाइसेंस स्वीकृत है उन्हीं को दिया जा रहा है। ऐसे करीब 100 दुकानें हैं जिनको सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 2 भागों में 50-50 के लॉट में दुकानें रखी गई हैं और उनमें दूरी भी जो निर्धारित मानक हैं आयोद अधिनियम के अंतर्गत उनके अनुसार दुकान से दुकान की दूरी और दुकानों की रो से दूसरी दुकानों की रो की दूरी निर्धारित माप में रखी गई है और सुरक्षा के मेजरमेंट किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन का चह की जगह 10 बार हो रहा है उपयोग, मरीज करेंगे कलेक्टर से शिकायत। जिला अस्पताल की डायलिसिस मशीन का ठेका पहले दीपचंद डायलिसिस केयर के पास था जो 6 बार डायलाइजर का उपयोग करती थी। विगत जुलाई माह से यह ठेका मुंबई की एपेक्स किडनी केयर कंपनी ने संभाला है जो 10 बार डायलाइजर का उपयोग करती है जिससे डायलिसिस प्रक्रिया बाधित होती है। मरीज दिलीप वाघेला ने स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज करवा दी और कलेक्टर को भी करेंगे शिकायत। हमने विरोध ऐसा किया है कि ये डायलाइजर पहले 4 बार इस्तेमाल हो रहा था, अब ये 10 बार करवा रहे हैं। 10 बार करवाने से क्या मरीज को ठंड लगती है, कई तो निपट गए हैं, मेरे साथ के 4 लोग निपट चुके हैं और इससे तकलीफ होती है, ज़्यादा बार इस्तेमाल करवाते हैं। क्या नाम है आपका, कितने समय से डायलिसिस करवा रहे हैं, कितनी बार होता है आपको? मेरा हफ्ते में 2 बार होता है और मैं 2019 से करवा रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम दिलीप वाघेला है, मैं हमखेड़ी रहता हूँ। इस संबंध में आपने स्टाफ को कुछ अपने विरोध दर्ज किया है? स्टाफ को विरोध दर्ज करवा दिया हमने, तो स्टाफ बोले हमें हम क्या कर सकते हैं, जब कंपनी बोल रही है तो जो कंपनी बोल रही है हम वो कर रहे हैं, आप विरोध दर्ज करवा। इन्होंने बोल दिया कलेक्टर साहब के पास जाओ, तो हम जाएंगे इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास, जाना पड़ेगा हमें। जिले भर से आए 135 प्रतिभागियों ने जिला स्तरीय पंजा प्रतियोगिता में की जोर आजमाइश। बीते जमानों में पंजा लड़ाना शारीरिक बल का इम्तिहान माना जाता था। इस खेल को पुनः प्रतिष्ठित करने के मकसद से जिला स्तरीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कालिदास एकेडमी में किया गया। स्वर्गीय चुन्नीलाल पहलवान और कमल पहलवान की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर से 145 पंजा पहलवानों ने भाग लिया। यह जानकारी देते हुए आयोजक संदीप कुशवाहा ने बताया, करीब करीब 135 पुरुषों महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें नागदा, महितपुर, उज्जैन और बड़नगर से प्रतियोगी आए। आइए अब एक नजर डालते हैं वैशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
किशोरायु युवाओं को चिन्हित कर उनके अभिभावकों को बुलाकर एसपी ने समझाइश देते हुए कहा, अपने बच्चों को अपराध और नशे से बचाएं। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा ऑपरेशन के बाद दे दी गई। परिजनों ने सीएमएचओ को की शिकायत। टीएनसीपी के संयुक्त संचालक, नगर निगम अधिकारी और कॉलोनाइजर फर्जी दस्तावेजों से शासकीय भूमि पर बना रहे थे मल्टी। ईडब्ल्यूओ ने दर्ज की एफआईआर। सिटी प्रेस क्लब ने एसपी को ज्ञापन देकर मांग की, अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार पर कायमी के पहले जानलेवा हमले की जांच होनी चाहिए थी। और जिला स्तरीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिले से 135 प्रतिभागियों ने की पंजा जोर आजमाइश। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।